प्रदेश के नौजवानों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं ऑल न्यू 2019 टीवीएस स्टार सिटी प्लस कारगिल एडिशन का। और वीडियो के बढ़ने से पहले, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं आप लोग की रोजाना ऐसी ही वीडियोस लाते रहता हूं। तो दोस्तों, आर्मी और इंडियन आर्मी एक ऐसा वर्ड है और एक ऐसा ग्रुप ऑफ सेंटेंस है जो हर हिंदुस्तानियों के दिलों में राज करता है, क्योंकि हमारी इंडियन आर्मी 2400 घंटे बॉर्डर पर तैनात खड़ी रहती है ताकि हम लोग सुरक्षित रहें। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए टीवीएस ने अपने स्टार सिटी प्लस में हम इंडियन आर्मी लवर्स के लिए एक कारगिल एडिशन को लॉन्च किया है, जो हमेशा हम सबको हमारे इंडियन आर्मी की याद दिलाता रहेगा। और दोस्तों, मैं आप सबसे एक माफी मांगना चाहूंगा, क्योंकि जब हम वीडियो को शूट कर रहे थे तो पूरी सनलाइट हमारे कैमरे और बाइक पर आ रही थी, इसलिए आपको बाइक हाईलाइटेड में दिख रही होगी, तो उसके लिए सॉरी। लेकिन बाइक की डिटेल मैं आपको पूरी अच्छे से दूंगा। दोस्तों, लुक्स, डिजाइन, सेफ्टी रिलेटेड चेंजेस के बारे में बात किया जाए तो पहले के मुकाबले इसमें दो नए चेंजेस दिए गए हैं। पहला, इसमें आपको न्यू कलर और न्यू एज ग्राफिक्स मिलता है। न्यू कलर में आपको एक शाइनी और ग्लॉसी सा पेंट जॉब मिलता है, जो सनलाइट में आपकी बाइक को एक स्टाइलिश लुक देता है। और ग्राफिक्स जो हमारी इंडियन आर्मी का यूनिफॉर्म कलर है और जो थीम कलर है, उसी से मिलता जुलता कंप्लीट बाइक पर स्टिकरिंग फॉर्म में मिलता है। और दूसरा, इसमें आपको SBT ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी मिलती है, मतलब सिंक ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी। दोस्तों, सिंक ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी वर्क कैसे करता है उसकी पूरी जानकारी मैं आपको वीडियो में आगे बता दूंगा, इसलिए वीडियो को एंड तक देखें। दोस्तों, फ्रंट प्रोफाइल के बारे में बात किया जाए तो फ्रंट में आपको TVS का 3D एनवलप मिलता है, और इसमें आपको एक छोटा सा ब्लैक कलर का विंडशील्ड मिलता है एयर को पास करने के लिए, कंफर्टेबल राइड करने के लिए। कन्वेंशनल हेडलैम्प इसमें आपको मिलता है विद हेलोजन बल्ब। और दोस्तों, इसमें एक बात बहुत ही अच्छी है, इसमें आपको फ्लेक्सिबल इंडिकेटर्स मिलते हैं। फ्लेक्सिबल इंडिकेटर का फायदा ये है, जिससे अगर आपकी बाइक गिर भी जाती है तो इंडिकेटर्स टूटेंगे नहीं। और दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ कॉर्नर्स पर आपको आर्मी का थीम कलर मिलेगा ग्राफिक के फॉर्म में, जो बाइक को बहुत ही उम्दा लुक देता है। रियर लुक्स के बारे में बात किया जाए तो रियर लुक्स में कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। इसमें आपको सेम बल्ब टेल लाइट मिलती है, जिसकी विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है, और इसमें आपको सेम बल्ब इंडिकेटर्स मिलते हैं। बाकी जो इसमें आपको स्पेसिफिकेशन है वो सब सेम ही मिलता है। और दोस्तों, नंबर प्लेट के ऊपर आपको एक छोटा सा ऑरेंज कलर का बल्ब मिलता है, मतलब येलो कलर का बल्ब मिलता है, जो नाइट में आपके नंबर प्लेट को विजिबल कराने में हेल्प कराता है। इसके इंजन के बारे में बात किया जाए तो इसमें आपको 109.7 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक एयर कूल्ड कार्बोरेटर इंजन मिलता है, जिसमें आपको 8.4 पीएस एट 7000 आरपीएम की पावर और 8.7 न्यूटन मीटर एट 5000 आरपीएम का टॉर्क मिलता है। और इसमें आपको जो नंबर ऑफ गियर्स मिलते हैं वो आपको 4 मिलते हैं, और इसमें आपको किक और सेल्फ दोनों का ही ऑप्शन मिल जाता है। फ्रंट टायर और सस्पेंशन के बारे में बात किया जाए तो फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है, और इसमें आपको 2.75 इंचेस का टायर साइज मिलता है विद 17 इंचेस व्हील साइज, और इसमें आपको ट्यूबलेस टायर मिलते हैं 130 mm के ड्रम ब्रेक के साथ में। और दोस्तों, ये बात बहुत ही अच्छी है कि इसमें आपको ट्यूबलेस टायर मिलता है। इससे फायदा ये होगा कि अगर आपके टायर में कोई नुकीली या पेनी चीज चली जाती है तो फिर भी आप बेफिक्र होकर अपनी बाइक को राइड कर सकते हो। रियर टायर और सस्पेंशन के बारे में बात किया जाए तो रियर में आपको 5-स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन मिलता है 3 इंचेस टायर साइज के साथ और 17 इंचेस व्हील के साथ, और इसमें आपको 110 mm के ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आखिरकार SBT ब्रेकिंग सिस्टम वर्क कैसे करता है। नॉर्मली आपने बाइक्स में देखा होगा कि फ्रंट में आपको एक वायर मिलता है, लेकिन यहाँ आपको दो वायर दिख रहे होंगे। दोस्तों, ये दोनों वायर जाके पीछे के ब्रेक्स में कनेक्ट होते हैं, तो उससे होता ये है कि जब भी आप पीछे का ब्रेक अप्लाई करते हो तो आगे का ब्रेक भी दबता है। तो यही है सिंक ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी, मतलब SBT ब्रेकिंग सिस्टम। इंस्ट्रूमेंट कंसोल के बारे में बात किया जाए तो उसमें आपको एनालॉग प्लस डिजिटल का इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलता है, जिसमें एनालॉग मीटर में आपका टोटल स्पीड बता दिया जाता है, और डिजिटल मीटर में आपका फ्यूल गेज, टोटल किलोमीटर और ऑडोमीटर बता दिया जाता है। और लेफ्ट हैंड में आपको आपका न्यूट्रल इंडिकेटर, सर्विस रिमाइंडर, आपका पास इंडिकेटर और आपका लेफ्ट राइट इंडिकेटर का सिंबल भी आपको मिल जाता है। और स्पीडोमीटर में ही आपको पावर और इकोनॉमी का भी इंडिकेटर मिल जाता है। स्विचेस की बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात किया जाए तो स्विचेस की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। जो मटेरियल इसमें यूज़ किया है काफ़ी अच्छी क्वालिटी का किया है। हॉर्न स्विच, आपका जो चौक है वो भी यहाँ पे हैंडल बार पर दिया गया है, और आपका पास स्विच, जो सारे बेसिक स्विच आपको मिलते हैं वो सारे इसमें मिल जाते हैं। और जो बाइक की हैंडलिंग वो भी काफ़ी अच्छी है। राइट तरफ के हैंडल के बारे में बात किया जाए तो यहाँ आपको सिर्फ सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन मिलता है, इंजन किल स्विच का ऑप्शन यहाँ आपको नहीं मिलता है। दोस्तों, इसके प्राइस के बारे में बात किया जाए तो पुराने मॉडल के मुकाबले इसका जो प्राइस है उसमें थोड़ा बहुत इंक्रीजमेंट हुआ है, मतलब थोड़ी सी कॉस्टली ये हो गई है। दोस्तों, सीट के बारे में बात किया जाए तो सीट में जो कलर यूज किया गया है वो बिल्कुल हमारी इंडियन आर्मी के थीम कलर से मिलता जुलता है। बाकी जो सीट की कुशनिंग वो काफी अच्छी है, जो फैब्रिक की क्वालिटी वो भी काफी
काफ़ी अच्छी है। और दोस्तों अगर आप दो या तीन लोग बैठ के भी राइड कर रहे हो तो जो राइडर है वो बहुत ही कंफर्टेबल राइड कर पाएगा और पैसेंजर्स को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों आज के लिए हमारी वीडियो में इस बाइक के लिए इतना ही। हमारी वीडियो को लाइक कर दो, उसको शेयर कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आप लोगों के रोज़ाना ऐसे ही वीडियोज़ लाते रहता हूँ। और दोस्तों अगर आप कुछ डाउट्स है रिलेटेड टू TVS स्टार सिटी प्लस कारगिल एडिशन से तो आप हमसे कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं। अभी के लिए थैंक्स।